मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 843 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 40,000 के 734 पर पहुंच गई है और एमपी में अब तक 1,033 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा खराब हालात इंदौर में है। मंगलवार को शहर में 176 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,900 हो चुकी है, जबकि शहर में अब भी 2,563 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना का शिकार होकर शहर में अब तक 336 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं 6,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। मंगलवार तक राजधानी भोपाल में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,870 पर पहुंच गई है। शहर में अब तक कोरोना के 226 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। रात की बात यह है कि 5,927 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं, क्योंकि शहर में अभी भी 1,717 एक्टिव केसेस हैं।